आईपीएल के जनक ललित मोदी की हालत गंभीर। डबल कोरोना के बाद इन्फ्लुएंजा और नमोनिया हुआ। दो हफ्ते में दो बार कोविड पॉजिटिव, तीन हफ्ते क्वारंटाइन। दुनिया में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक हो चुकी है। इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक वायरस लोगों पर भारी पड़ रहा है। चीन के बाद दुनिया के कई देश फिर से कोविड के चपेट में है। दुनिया के कई मशहूर हस्तियां, कलाकारों और राजनेताओं को कोरोना संक्रमण का सामना करना पड़ा है। अब नया मामला सामने आया है आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को लेकर, जिन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर कोविड पॉजिटिव होने का खुलासा किया है, साथ ही भावुक पोस्ट लिखी है और अपने दर्द को बयां किया है। उन्होंने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी दी कि उनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकला है। अपने पोस्ट के साथ ललित मोदी ने कई तस्वीरें भी शेयर की, जिसमें वो अस्पताल में भर्ती नजर आ रहे हैं, नाक में ऑक्सीजन की नली लगी हुई है। इंस्टा की पोस्ट के बाद ललित मोदी के प्रशंसकों, फॉलोअर्स और उनके जानने वालों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ललित मोदी ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो साझा करते हुए सबसे पहले लिखा, इन्फ्लुएंजा व गहरे निमोनिया के साथ दो हफ्ते में दो बार कोविड पॉजिटिव होने और तीन हफ्ते तक क्वारंटाइन रहने के बाद अब हालत ठीक है। दो डॉक्टर और सुपरस्टार बेटे के साथ एयर एम्बुलेंस की मदद से वापस लंदन उतरा हूँ। मुझे लंदन लाने के लिए इन तीनों ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने आगे लिखा, फ्लाइट बहुत आरामदायक रही, दुर्भाग्य से अभी भी 24 घंटे बाहरी ऑक्सीजन पर। इसके साथ ही उन्होंने विस्तारा जेट को भी धन्यवाद दिया और कहा कि मैं सभी का आभारी हूँ सबके प्यार के लिए। बता दें कि ललित मोदी बीते साल बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन के संग रिश्ते का खुलासा करते हुए भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। अचानक किए गए ऐलान से सभी लोग हैरान थे। दोनों के अफेयर की खबरों से पूरे देश में हलचल मच गई थी। जहां लोग अभिनेत्री और आईपीएल फाउंडर को जमकर ट्रोल कर रहे थे, वहीं ललित मोदी अपने रिश्ते को लेकर बयानबाजी करने से जरा भी नहीं चूक रहे थे। ललित मोदी ने तो सुष्मिता सेन को अपनी अर्धांगिनी तक बता दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पर जमकर हुए बवाल के बाद ललित मोदी ने सुष्मिता सेन से जुड़ी हुई फोटो और पोस्ट को हटा लिया था और कुछ दिन बाद ही उन्होंने इसे ब्रेकअप का ऐलान भी कर दिया था। बताते चलें कि ललित मोदी को फिलहाल भारत में भगोड़ा घोषित किया गया है। खेल जगत को आईपीएल देने वाले ललित मोदी की लीग की शुरुआत के दो साल बाद ही 2010 में देश छोड़कर भागना पड़ा था। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। वो ब्रिटेन की राजधानी लंदन के स्लोएन स्ट्रीट पर एक लग्जरी मेंशन में रहते हैं। ये 5 मंजिला है और 7000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ललित मोदी के नेटवर्थ की बात करें तो उनकी मौजूदा संपत्ति करीब $570 मिलियन से ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि भारतीय रुपए में ललित मोदी की कुल संपत्ति करीब 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। हालांकि ये उनकी पैतृक संपत्ति भी बताई जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।